सबको बताना चाहती हूँ कि आप किस तरीके से आप अपना इनवॉइस बनाओगे अपने कस्टमर के नेम पे या फिर आप अपने कैश पे। सपोज़ जैसे जब भी आप अपना इनवॉइस क्रिएट करते हो तो वहाँ पे आपको दो ऑप्शन शो करते हैं, या तो आप क्रेडिट पे सेल कर रहे हो आइटम, डेट मीन्स कि आप अपना कस्टमर का नाम मेंशन करोगे किसको आप क्रेडिट पे दे रहे हो, या तो फिर आप कैश या बैंक सेलेक्ट करोगे, डेट मीन्स कि आपको डायरेक्टली कैश या बैंक पे आप उसको सेल आउट कर रहे हो। ठीक है, सपोज़ जैसे कि मैं अभी फर्स्ट एक अपना इनवॉइस जनरेट कर रही हूँ अपने कैश पे। अब मैंने यहाँ पे अकाउंट सेलेक्ट कर लिया कैश, अब मैंने यहाँ पे अपनी आइटम सेलेक्ट कर ली। सपोज़ मैंने MI फ़ोन सेलेक्ट कर लिया, क्वांटिटी 1, मैंने अमाउंट सेलेक्ट कर लिया 15,000। अब मैं इसको सेव करूँगी। अब जब मैं इस इनवॉइस को चेक करूँगी तो ये मेरा बिल टू कैश पे बना हुआ है, ठीक है, एंड मेरे यहाँ पे मेरा 15,000 की इसकी वैल्यू थी। ठीक है, अब सेम एज इट इज़ जैसे मैं यहाँ पे प्लस पे क्लिक करूँगी क्रिएट इनवॉइस, अब मैं एक क्रेडिट पे बनाऊंगी जो कि मेरे मोनू है, जो कि ये मेरा कस्टमर है, तो मैं इसके नाम पे एक और इनवॉइस जनरेट करूंगी। अब यहाँ पे मैंने अपना सोनी का मोबाइल बेचा है, दो क्वांटिटी, इनका प्राइस था 10,000 ईच मोबाइल। अब मैं इसको सेव कर दूंगी। तो अभी जैसे आप यहाँ पे चेक करोगे मेरा जो इनवॉइस बना है वो क्रेडिट पे बना है जो कि मोनू को सेल आउट हुआ है। मेरा इनवॉइस नंबर, मेरे टू पीसेज हैं, 20,000 का मेरा बिल अमाउंट बैठा है। ठीक है, अब जब हम इसका लेजर जब हम इसका चेक करेंगे तो इसमें भी आप चेकआउट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आपने कस्टमर पे क्लिक किया तो अभी मेरे जो मोनू मेरा कस्टमर है उसका सामने 20,000 शो कर रहा है, डेट मीन्स कि इतना आउटस्टैंडिंग है जो कि मोनू मुझे पे करेंगे। ठीक है, अब सेम एज इट इज़ अगर मैं कैश अकाउंट सेलेक्ट करूँ तो मैं ऑल अकाउंट्स में जाके कैश अकाउंट चेक करूँगी तो कैश में मेरा 15,000 से बढ़ चुका है, मतलब मुझे 15,000 मेरे पास अभी कैश इन हैंड है। इसकी अगर मैं और डिटेल्स चेक करूँ तो मैं ऑल रिपोर्ट्स में जाके मैं अकाउंट स्टेटमेंट लेजर में क्लिक करूँगी, अकाउंट टाइप मैं सेलेक्ट करूँगी कैश। अब जैसे मैंने ये सेलेक्ट किया तो यहाँ पे मुझे शो करेगा मेरा एक इनवॉइस बना है INV2 जिसमें मेरा 15,000 का था जो कि मेरा कैश मेरे पास आया है। सेम एज इट इज़ जब मैं यहाँ पे अपने कस्टमर सेलेक्ट करूँगी जिनको मैंने क्रेडिट में पे किया था, उनका यहाँ पे आउटस्टैंडिंग में शो करेगा 20,000, डेट मीन्स कि क्लोजिंग बैलेंस 20,000, मतलब मुझे अभी वो मुझे 20,000 मुझे पे करेंगे। थैंक यू।